हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की, जो कि हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। चलिए गाइस, वैकेंसी से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल जान लेते हैं। ये वैकेंसी हरियाणा पब्लिक सर्विसेज कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है, इन फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। इस वैकेंसी के लिए आप लोग कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे? तो आप लोग 7 तारीख से लेकर 27 तारीख, यानी कि 7 सितंबर से लेकर के आप लोग यहाँ पे 27 सितंबर तक इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट आपकी 27 सितंबर ही यहाँ पे रहने वाली है। वेबसाइट भी गिवन है, www.hpsc.gov.in पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही गाइस, लास्ट डेट और मैंने आपको ये बता दी है, क्लोजिंग डेट आपको बता दी है, ओपनिंग डेट बता दी है, वेबसाइट बता दी है। अब आगे देख लेते हैं कि कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। टोटल 41 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं। इन जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 26 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। बाकी जो रिजर्वेशन मिलेगा वो हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलने वाला है। आगे देख लेते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आप लोगों ने डिग्री ली होनी चाहिए यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी और डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और ऑयल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे काफी सारे आपके स्ट्रीम्स गिवन है, तो इनमें से किसी में भी अगर आप लोगों ने डिग्री अपनी कम्प्लीट की है तो फिर आप एलिजिबल है। साथ में आपको हिंदी या फिर संस्कृत आनी चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास हाई स्कूल के अंदर 10th लेवल तक आपके पास हिंदी या फिर संस्कृत एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए आप लोग फिर एलिजिबल हैं। साथ ही गाइस, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू सक्सेसफुली कंप्लीट ट्रेनिंग एज स्पेसिफाइड बाय द फूड अथॉरिटी। तो आप लोग यहाँ पे पहले ट्रेनिंग कम्प्लीट कराई जाएगी, ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे गाइस बात करेंगे पे स्केल की। तो यहाँ पे आपको जो पे स्केल रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 35,400 तक आपकी यहाँ पे सैलरी बनेगी, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स, मैक्सिमम 42 ईयर्स, ये गिवन है गाइस यहाँ पे। एंड ये जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 1 अगस्त, आपका यहाँ पे जो 1 अगस्त है उसको फुलफिल होना चाहिए। साथ ही गाइस, रिलैक्सेशन वगैरह जो भी मिलेगा एज लिमिट के अंदर वो यहाँ पे हरियाणा स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी कोई रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। साथ ही गाइस, यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो भी मैंने आपको बता दी, 27 तारीख रहेगी। एंड आप लोग hpsc.gov.in की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करते वक्त आपसे फीस मांगी जाएगी, अगर आप लोग अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं या फिर आप लोग मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज का फीस पेमेंट करना होगा। ये मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं अगर आप लोग, तो या फिर आप मेल कैंडिडेट हैं और आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 1,000 का पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग फीमेल कैंडिडेट हैं या तो हरियाणा की हैं या फिर आप लोग अदर स्टेट के भी और आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पे 250 रुपीज का पेमेंट करना होगा। बाकी अदर कैंडिडेट को 250 रुपीज का पेमेंट करना होगा। साथ ही गाइस, अगर आप लोग हरियाणा के बाहर के स्टेट के हैं और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप अगर मेल हैं तो आपको 1,000 एंड फीमेल आपको 250 रुपीज, बाकी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। होप सो गाइस, ये चीज आपको कम्प्लीटली समझ में आ गई होगी। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 27 तारीख ही रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPS, स्टेट PSC, UGC, नेट, IIT, JEE, नीट। तो आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से आप लोग अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।